Student, in the reading of the chapter The Rat Trap, we were here on the page number 36. The man with the rat trap had never before seen the ironmaster at Ramzo. Rattrap seller ने अब से लेकर के कभी भी आयरन मास्टर को जो कि रैमजो फैक्ट्री में काम करता था उसको नहीं देखा था एंड डिडेंट इवन नो वट हिज नेम वॉज और उसको उसका नाम भी नहीं पता था बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर और उसको ये भी लग रहा था कि अगर उसने उस जेंटलमैन के बारे में अच्छा सोचा और उसको अपना एक पुराना परिचित समझा तो वो उसको कुछ क्रोनोर है क्रोनोर इज क्रोनोर इज करेंसी ऑफ स्वीडन तो वो उसको कुछ क्रोनोर मदद के तौर पर दे सकता है दान के तौर पर दे सकता है देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस इसलिए वो उसको एक प्रकार से किसी धोखा नहीं करना चाहता था यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड उसने ये कहा कि भगवान के कारण पता नहीं किस कारण से उसको एडवर्स सरकमस्टांसिस है वो सहन करनी पड़ी हैं डाउन हिल का मतलब होता है गेट एडवर्स सरकमस्टांसिस ही सैड उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सैड द आयरन मास्टर ने कहा कि आपको जो रेजिमेंट है वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था अपना त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था दैट वॉज द मिस्टेक जो आपने गलती की है इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट the time it never would have happened और अगर मैं इस वक्त सर्विस के अंदर होता उस वक्त सर्विस के अंदर होता तो ये मैं ना होने देता well now of course you will come home with me अब आपको मेरे साथ घर चलना होगा to go along up to the manor's house and be received by the owner like an old regimental comrade that however didn't please the tramp tramp यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से उस रैट्रैप सेलर के लिए आवारा व्यक्ति के लिए आ रहा है और इतने बड़े घर के अंदर जाना और वहाँ पर एक रेजिमेंट जो होती है सेना का एक साथी के रूप में उसका स्वागत करना होना ये इससे क्या है कि हमारा जो रैट्रैप सेलर है वो खुश नहीं होता प्लीज़ का मतलब यहाँ पर खुश होने से है हैप्पी नाउ आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सैड हेलो नाउ आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड अब उसने थोड़ा सावधान होते हुए खतरे को भांपते हुए जो रैट्रैप सेलर है उसने कहा कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था ही थॉट ऑफ दी 30 क्रोनोर उसने अपनी पॉकेट में जो 30 क्रोनोर डाले हुए थे उसके बारे में सोचा टू गो अप टू दी मैनर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटेरली का मतलब होता है जानबूझकर इनटू दी लॉयंस डेन डेन होता है लॉयन का जो घर होता है ठीक है हिडन होम ऑफ लॉयन ओके तो उसने ये सोचा कि जो मेरे पास 30 क्रोनोर है उनके साथ इस व्यक्ति के घर पर जाना अपने आप में एक प्रकार से शेर के रहने के घर के अंदर जाने वाली बात है ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन दी फॉर्ज वो केवल वहाँ पर भट्टी पर एक प्रकार से सोना चाहता था एंड देन स्नीक अवे एज अनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल और वहाँ पर वो चुपके से ठीक है वहाँ से खिसकना चाहता था देन द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग फिर आयरन मास्टर ने यह महसूस किया कि शायद इस व्यक्ति को थोड़ी शर्मिंदगी इसलिए आ रही है क्योंकि उसने बड़े हल्के कपड़े पहने हुए हैं उसके कपड़ों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैनॉट शो यूर सेल्फ हेयर उसने आगे से कहा आयरन मास्टर ने कि मेरा एक इतना बड़ा घर है इसलिए आपको किसी भी प्रकार का हीनता की भावना महसूस नहीं होनी चाहिए ही सैड एलिजाबेथ इज़ डेड उसने कहा कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसकी वाइफ का नाम है वो मर चुकी है एलिजाबेथ मेरी पत्नी मर चुकी है एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड जैसा कि आपने सुना है माई बॉयज़ आर अब्रोड मैंने फ़ौरन होता है मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश गए हुए हैं एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ और मेरे अलावा मेरी बड़ी बेटी के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी
डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और उसने ये आगे से कहा कि हम तो ये बात कह ही रहे थे कि क्रिसमस के लिए हमारे पास, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए कोई भी व्यक्ति है वो नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ आओ एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, ताकि क्रिसमस के लिए जो हमारे घर में खाना तैयार किया हुआ है वो जल्दी से एक प्रकार से हम उसको खा सकें। बट दिस स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने आगे से, उस अजनबी व्यक्ति ने, उस चूहे दानियाँ बेचने वाले व्यक्ति ने आगे से कहा नहीं, एंड नो अगेन, उसने बार बार नहीं 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 कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि ये व्यक्ति है वो शायद अपनी पराजय है वो मानने वाला नहीं है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टहनले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर स्टॉन, ही सैड टू द आयरन ब्लैक स्मिथ, उसने ये ब्लैक स्मिथ से बात कही कि शायद ये व्यक्ति है वो यहीं पर ही, वॉन स्टैनले है वो, उस वो यहीं रहने की प्रेफरेंस कर रहा है। एंड टर्न ऑन ऑन हिज हील्स, और वो वापस चला जाता है अपनी एड़ियों के ऊपर, हील एड़ी होती है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो हंसता है जैसे ही वो वहाँ से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, और जो लौहार था वहाँ पर उसने ये भी सोचा कि उसने सोचा कि शायद रैट्रैप सेलर ने आखिरी शब्द हैं वो अभी नहीं बोले हैं, शायद उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्लान है उनके घर जाने की। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हैड हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज, कैरेज होता है घोड़े के पीछे खींचे जाने वाली गाड़ी, कि आधे घंटे के बाद है वो एक घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी की आवाज़ है वहाँ पर आ जाती है, उसके पहियों की आवाज़ आ जाती है। कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, भट्टी के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान है वहाँ आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, और इस बार है वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, और इस बार उसने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि वो मानता था कि शायद उसकी बेटी के अंदर रैट्रैप सेलर को मनाने की ज़्यादा पावर है बजाय उसकी। शी एंटर्ड, इसी दौरान वो लड़की है वो आ जाती है जिसका नाम एडला था। एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, और उसके साथ उसका पर्सनल सर्वेंट है, पर्सनल नौकर है वो भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उसने एक कोट पहना हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो बड़ी ही विनम्र थी और थोड़ी वो शर्मीली किस्म की लड़की थी। इन दी फोर्स एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, भट्ठी के ऊपर सब कुछ पहले की तरह से था जैसा कि शाम के समय था। द आयरन ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपरेंटिक स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो लोहार था और उसका जो आगे सहायक था वो बेंच के ऊपर अभी भी बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और उनकी भट्टी के ऊपर अभी भी कोयला है वो जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिक आयरन अंडर हिज हेड, और जो स्ट्रेंजर था, जो चूहे दानियाँ बेचने वाला व्यक्ति था, वो फर्श के ऊपर है वो लेट चुका था, और उसने एक बड़े आयरन को, एक बड़े लोहे के टुकड़े को तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया था। अंडर हिज हेड एंड हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपने सिर के ऊपर अपना टोप है वो कर लिया था। एज सुन एज दी यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने, उसकी लड़की की नज़र उसके ऊपर पड़ी, साइट होता है नज़र, शी वेंट अप, वो उसके पास जाती है एंड लिफ्टेड हिज हैड, उसने उसका जो टॉप था वो उठाया, लिफ्ट करना होता है उठाना। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, इस आदमी की ये आदत थी कि ये अपनी एक आँख खोल करके सोया करता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, इसी दौरान वो कूद करके उठता है। एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और उसको लगा कि लड़की को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द रेड ट्रैप सेलर। ओके, नाउ क्लाइमैक्स इज अबाउट टू कम। ओके, क्लाइमैक्स इज अबाउट टू कम। ओके, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द स्टोरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे।